about the process of digestion of food. Okay, which food is digestion which part of the body? Elementary chemistry we had discussed in the last class. As well as we had discussed about how the food digestion is regulated by neural and hormonal control. Okay, digestion of food material is controlled by neural and hormonal mechanism also. Okay, and today we discuss about the another part of the digestion of food, digestion of food in the animal, in the human, that is absorption. Absorption, you know, basically in the human nutrition the five stages are involved. One is ingestion, other is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth is digestion. So among the five steps, already we have finished two steps. One is ingestion of food as well as digestion of food. As soon as digestion completes, then absorption starts, and absorption also occurs in different part of the elementary canal. But remember, maximum absorption occurs in the small intestine. Very very important point. Maximum absorption of food material occur in the small intestines. Okay, and how absorption occur? What absorption occur? Okay, you know, in the digestion what happen? Complex food is converted into simple form like glucose, galactose, fructose, amino acids, dipeptides, tripeptides, then starch, then starch into fatty acid and starch into glucose, then fatty acid and glycerol from fat, okay, monoglyceride, etc. form, vitamins, etc. form. So all these simple form of food materials are move from lumen of the small intestine and goes into the blood or lymph. This got absorption. Means क्या होता है जब भी फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है तो आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्सॉर्प्शन होता है. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ये विलाय होते हैं ना, विलाय. इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? विलाय. ऑलरेडी आई टोल्ड यू विलाय इज नथिंग बट द फिंगरलेस स्ट्रक्चर, फिंगरलेस प्रोजेक्शन. इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन. और जहां पे विला है, जहां पे माइक्रोविला है, जहां पे ब्रेड वाटर है, वहां पे क्या होता है, ये जो फूड है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो सिंपल फूड है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये जो अब्सॉर्बेबल फूड है, ये जो डिफ्यूजेबल फूड है, दैट डिफ्यूजेबल फूड मूव फ्रॉम ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू द सराउंडिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज इज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन. मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन वाला फूड है वो फूड कहां जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर से कहां जाता है, एक तो ब्लड कैपिलरी में जाता है या फिर लिम्फ में जाके मिक्स होता है ना. इसमें जाके मिक्स होता है लिम्फ में, क्योंकि आपको पता होगा हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड बेसिकली दो टाइप के है, वन इज ब्लड एंड अदर इज लिम्फ. तो कुछ मटेरियल, कुछ न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स लिम्फ के अंदर मिक्स होते हैं. स्पेशली फैटर डाइजेशन होने के बाद फैट ब्लड में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाता क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर है, इसलिए उसको पहले लिम्फ में जाना पड़ता है. लिम्फ के अंदर वो एंट्री करता है फैट और फिर बाद में ब्लड में एंट्री करता है. सो अब्सॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द सर्कुलेटरी फ्लूइड. ओके, यू नो ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी. ब्लड एंड लिम्फ क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड है. डाइजेस्ट होने के बाद ये जो फूड है इंटेस्टाइन के अंदर से कहां जाते हैं? ब्लड के अंदर है, लिम्फ के अंदर जाते हैं, और वो लिम्फ और ब्लड सर्कुलेट होता है कहां पे? थ्रू आउट द बॉडी.
पूरे बॉडी में, और आपको पता होगा जब वो सर्कुलेट होता है तो वो फूड वो न्यूट्रिएंट्स सभी बॉडी के टिश्यू को, सेल को, ऑर्गन को सप्लाई किया जाता है ना। और ये भी आपको पता होगा ओके, जो टाइप्स ऑफ अब्सॉर्प्शन है दो तरीके से होता है। अब्सॉर्प्शन कैसे होगा होता है आपको क्लियर हो गया, ल्यूमेन के अंदर का जो फूड है ब्लड में चला गया, और आपको पता है अब ये न्यूट्रिएंट कहां गए, अब ये न्यूट्रिएंट कहां गए, ब्लड के अंदर चले गए। और जब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जब ये न्यूट्रिएंट्स व्हेन दैट न्यूट्रिएंट्स आर एंटरिंग इनटू द ब्लड, ये न्यूट्रिएंट बॉडी के पूरे सेल की तरफ जाते हैं, और सब बॉडी के पार्ट में जाने के बाद, ऑल बॉडी पार्ट में जाने के बाद ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, दैट न्यूट्रिएंट्स आर गोज टू द बॉडी टिश्यू बॉडी सेल। इंटेस्टाइन के अंदर से जब न्यूट्रिएंट ब्लड में जाते हैं तो उसको बोलते हैं अब्सॉर्प्शन, और जब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और ये जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर से जब टिश्यू में जाते हैं, बॉडी टिश्यू में जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज असिमिलेशन, अब्सॉर्प्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी टिश्यू एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर से जाके सेल के अंदर के प्रोटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन, मतलब वो फूड सेल के प्रोटोप्लाज्म में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यूज होता है, इसीलिए उसको असिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट की जो प्रोसेस आपको पता होगा इगेशन, व्हाट इगेशन, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो फूड अब्सॉर्ब नहीं हुआ है, जो फूड असिमिलेशन नहीं हुआ है, वैसा फूड क्या होता है बॉडी के अंदर से चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन टू रेक्टम में जाता है विद हेल्प ऑफ पेरिस्टैटिक मूवमेंट, और रेक्टम के अंदर जाने के बाद वो फूड मटेरियल एनस द्वारा विद हेल्प ऑफ एनस थ्रू एनस बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इगेशन और डीफेसिकेशन। डीफेसिकेशन क्यों बोल रहा हूं, रिमूवल ऑफ फेकल मैटर, रिमूवल ऑफ स्टूल इज कॉल्ड एज डीफेसिकेशन प्रोसेस। ओके, तो हम अभी डिस्कस करते हैं, मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, अब्सॉर्प्शन बताया, असिमिलेशन बताया, इगेशन बताया। इगेशन किससे होता है, एनस के द्वारा होता है, एनस इज द ओपनिंग, एनस क्या है, पोस्टीरियर ओपनिंग है, लास्ट ओपनिंग है। ओके, रेक्टम के अंदर जब फेकल मैटर स्टोर होता है तब आर्च ऑफ डिफेसिकेशन होता है, मतलब टॉयलेट को जाने की इच्छा होती है, और तब रेक्टम में स्टोर हुए वाला जो टाइप फेकल मैटर है वो एनस के द्वारा बाहर चला जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफेसिकेशन, या उसी को बोलते हैं इगेशन। ओके, इजीएसटीआई इगेशन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ अब्सॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ अब्सॉर्प्शन कैसे कैसे होता है अब्सॉर्प्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ अब्सॉर्प्शन आपने तो पता होगा कि अब्सॉर्प्शन कहां होता है, इंटेस्टाइन के वाल में होता है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर का फूड ब्लड में जाता है, लिम्फ में जाता है, उसको अब्सॉर्प्शन बोलते हैं। और ये अब्सॉर्प्शन दो तरीके से होता है, वन इज याद रखो, वन इज पैसिव एंड अदर इज एक्टिव। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था जब पैसिव अब्सॉर्प्शन होता है, पैसिव अब्सॉर्प्शन होता है याद रखो, नो नीड एनर्जी, और एक्टिव अब्सॉर्प्शन में क्या होता है, नीड एनर्जी। एक दूसरा पैसिव में क्या होता है, मूवमेंट जो होती है इसकी न्यूट्रिएंट की, दैट इज अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें पैसिव में जो मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट की, न्यूट्रिएंट की मूवमेंट जो होती है
अलाउ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, इसमें पैसिव भी बोल रहा हूं। और एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में न्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन जो होता है वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और वो कैसे होता होगा, फिर उल्टा होगा, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव अब्सॉर्प्शन है, एक्टिव अब्सॉर्प्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पैसिव अब्सॉर्प्शन में और दो टाइप आते हैं, वैसे तो तीन टाइप आते हैं। वन इज सिंपल डिफ्यूजन एंड अदर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसी के साथ और एक आता है, वो है ऑस्मोसिस। वो क्या है, ऑस्मोसिस। मगर याद रखो, ऑस्मोसिस में क्या होता है, खाली वाटर का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ओके, कहां पे, ऑस्मोसिस के अंदर। तो वन बाय वन हम देखते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये चीजें होती है, ये बातें होती है। तो पहले हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। पैसिव अब्सॉर्प्शन का मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर का फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, कहां पे, ब्लड में, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। तो पहले हम देखते हैं पैसिव अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है। अगर ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन के अंदर से फूड क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैसिव अब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है। सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, न्यूट्रिएंट की, कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होती है वो रैंडम होती है, वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, वहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, हायर टू लोअर जाता है, अलग कॉन्सेंट्रेशन जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन रहते, याद रखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है तो वहां पे अवेलेबल क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन अवेलेबल है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन आयंस, कुछ आयंस को जाने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत लगती है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में तो आपको पता होगा व्हाट हैपन ऑस्मोसिस, मोमेंट ऑफ वाटर मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है खाली ऑस्मोसिस में, फ्रॉम व्हाट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब जिधर वाटर ज्यादा है उधर से कम तरफ, या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जहां पे वाटर ज्यादा है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जहां पे वाटर कम है उधर जाता है। इसका मतलब अगर इंटेस्टाइन के अंदर वाटर ज्यादा है तो ब्लड में जाएगा, इसका मतलब वहां पे ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, मतलब वाटर का अब्सॉर्प्शन वहां पे होता है और उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। जहां जहां पे वाटर का अब्सॉर्प्शन होगा उसको हम बोलेंगे अब्सॉर्प्शन। ओके, या ऑस्मोसिस बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक तो मेम्ब्रेन भी लगता है, दूसरा प्रोटीन भी लगता है। क्या लगता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन लगता है। और तीसरी बात यहां पे क्या लगती है, इट नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तीसरी चीज जो लगती है वो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और अगर एनर्जी लगती है तो वहां पे क्या होगा, मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल का लोअर टू हायर होगा, मतलब आगे जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट होगा उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब्सॉर्प्शन कौन सा भी हो,
पैसिव हो या एक्टिव हो, जहां पे न्यूट्रिएंट जो है इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लड में या लिम्फ में मिस हो जाते हैं, तो अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है, वहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, दोस्तों हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, मैंने अभी बोला आपको, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है खाली, देन डिफ्यूजन ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, और अब्सॉर्प्शन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट डिफ्यूजन इज ऑफ टू टाइप्स, डिफ्यूजन के मैंने ऑलरेडी आपको दो टाइप बताया, एक सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेट डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, पहले बोला मैंने आपको, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूज होते हैं, एग्जाम्पल स्मॉल अमाउंट ऑफ, याद रखो कौन से मॉलिक्यूल, सिंपल डिफ्यूजन में स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोरीन आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या क्या बोल रहा हूँ, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड्स, देन विटामिन्स, देन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड आयंस, सीएल माइनस आयंस, ये सभी का मूवमेंट होता है सिंपल डिफ्यूजन। क्लियर, सिंपल डिफ्यूजन क्लियर। बाद में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्ड मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन की जरूरत है इसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन लगता है उसको कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, एंड दे आल्सो हेल्पिंग द अब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। कौन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का अब्सॉर्प्शन होता है। और बात रहेगी किसकी, अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ऑस्मोसिस का मैंने पहले बताया आपको, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है। ओके, ऑस्मोसिस के अलग अलग डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक दूसरा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन थ्रू अ सेमी मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दो, तीन, दिस इज डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तीन, चौथी डेफिनेशन बोल रहा हूं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोलिड कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोलिड कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है ना, ये अलग अलग ऑस्मोसिस डेफिनेशन है, जहां पे लो सोलिड होगा वहां पे ज्यादा सॉलेंट होगा, और जहां पे ज्यादा सॉलेंट होगा, ज्यादा सॉलेंट टू लोअर सॉलेंट की तरफ जाएगा वाटर, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जाता है वाटर, मतलब ऑस्मोसिस में सॉलेंट का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, इसलिए वहां पे हम वाटर का ही मतलब माइंड में फिक्स करते हैं, मतलब वाटर का ही मूवमेंट होता है, ये हमारे दिमाग में फिक्स हो चुका है। ठीक है, ऑस्मोसिस में। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट मतलब उल्टा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से अगेंस्ट, अगर हाई टू लो जाता है तो अलॉन्ग, हाई टू लो गया तो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, और लो टू हाई अगर जाता है तो अगेंस्ट, और आपको पता है अगेंस्ट अगर जाना है तो एनर्जी लगती है ना, एनर्जी लगती है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है कि नहीं। जब लोग सब लोग जैसे काम करते हैं वैसे हम अगर काम करते हैं, लोगों के साथ साथ जाते हैं, लोग जैसे करते हैं वैसे करते हैं, तो वो है पैसिव, साथ साथ जाना और लोगों को अपोज करना, अपना खुद का काम खुद तरीके से करना, ओके, अगेंस्ट करना, उसको बोलते हैं एक्टिव। और अगर एक्टिव होना है तो उसको एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी लगती है तो एनर्जी का नाम है एटीपी, दैट एटीपी एनर्जी यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी, जो सेल की वर्किंग के लिए हेल्प होता है, अब्सॉर्प्शन के लिए हेल्प होता है। और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी नाम की एनर्जी लगती है, एंड यहाँ पे एक्टिव अब्सॉर्प्शन में किसका अब्सॉर्प्शन होता है, एक्टिव अब्सॉर्प्शन हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड एक, मोनोसैकेराइड दो लाइक ग्लूकोज, देन इलेक्ट्रोलाइट आल्सो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन से आते हैं, सोडियम आयंस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट से कौन है, सोडियम आयन, यहाँ पे मैंने बोला था सिंपल डिफ्यूजन में मैंने बोला था क्लोराइड आयंस, सीएल माइनस आयंस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बोल रहा हूँ सोडियम आयंस, ये सभी का ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, तो ये हो गया अब्सॉर्प्शन,
इसका कार्बोहाइड्रेट का, न्यूट्रिएंट का, आयरन का, अमीनो एसिड का, ये सभी का अब्सॉर्प्शन हो गया, फैट का अब्सॉर्प्शन हो गया। अभी फैट का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको। हाउ अब्सॉर्प्शन ऑफ लिपिड ऑकर, अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट ऑकर, लिसन केयरफुली, मैंने आपको पहले ही बोला है डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है फैट का, उसके बाद उस पॉइंट में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, यहाँ पे जस्ट रिविजन में बता रहा हूँ आपको जस्ट, ठीक है। किसका अब्सॉर्प्शन बोल रहा हूँ, फैट का अब्सॉर्प्शन बोल रहा हूँ। हाउ फैट अब्सॉर्प्शन ऑकर, फैट का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली बताने जा रहा हूँ। फैट क्या है, फैट ऐसा सब्सटेंस है कि जो हाइड्रोफोबिक है, इसलिए डायरेक्ट फैट ब्लड में मिक्स नहीं हो पाता। ओके, तो फिर फैट का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है, फैट का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल मेथड। ओके, पहले आपको पता होगा फैट जो है या लिपिड जो है, लिपिड या फैट इसका ब्रेकडाउन होता है, लिपिड और फैट का ब्रेकडाउन होता है। और कौन करता है लिपिड का ब्रेकडाउन, लाइपेज। और लिपिड से क्या बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल है। और फैटी एसिड से दो सब्सटेंस बनते हैं बाद में, फैटी एसिड है मोनोग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस मोनो। ओके, फैटी एसिड प्लस मोनो ग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, ओके, मोनोग्लिसराइड्स, डायग्लिसराइड्स कैन नॉट बी एंटर अब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू द वाटर सोल्युबल ब्लड, क्योंकि वाटर में इनसोल्युबल है ना। कौन कौन, फैटी एसिड हो, मोनोग्लिसराइड हो या फिर डायग्लिसराइड हो। ओके, ये कैसे, वाटर में सोल्युबल नहीं है, कैन नॉट बी अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, व्हाई, बिकॉज दे आर वाटर इनसोल्युबल। इसलिए फिर वहां पे क्या होता है आपको पता होगा, मैंने बोला था बाइल सॉल्ट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन करने के लिए बाइल सॉल्ट हेल्प करता है। एंड फॉस्फोलिपिड, बाइल सॉल्ट प्लस फॉस्फोलिपिड, ये दो केमिकल है जो फैट का डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं ना। कैसे, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल स्फेरिकल सोल्युबल ड्रॉपलेट कॉल्ड लिपिड्स। बाइल सॉल्ट जब फैट ग्लोब्यूल के साथ मिक्स होता है, कौन, बाइल सॉल्ट कंबाइन विद फैट ग्लोब्यूल्स, देन दे फॉर्म व्हाट, मिसेल्स। कौन कौन बोल रहा हूं, बाइल सॉल्ट का, फॉस्फोलिपिड का, ओके, और फैट ग्लोब्यूल का जब मिक्सर होता है तो क्या बनते हैं, मिसेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मिसेल्स, मिसेल्स फॉर्म इनटू स्मॉल प्रोटीन कोट। ओके, मिसेल्स मतलब क्या है, फैट ग्लोब्यूल है एंड दे फॉर्म इनटू स्मॉल प्रोटीन कोट ऑफ फैट ग्लोब्यूल। तो फैट ग्लोब्यूल के ऊपर क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन का कोट आता है ना। फैट ग्लोब्यूल के ऊपर, मिसेल्स के ऊपर क्या आता है, प्रोटीन का कोट आता है। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज, तो उसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन। क्या बोलेंगे, याद रखो, सबसे पहले हुआ फैट का कन्वर्शन फैट ग्लोब्यूल पे, मतलब उसके साथ बाइल सॉल्ट मिक्स हुआ तो दोनों का बन गया फैट ग्लोब्यूल, मतलब मिसेल्स, मिसेल के साथ, मिसेल्स के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन मॉलिक्यूल का कोट बन गया और उसको हम बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन्स। क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रॉन्स, एंड दे आर ट्रांसपोर्ट। और ये काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं, एंट्री करते हैं कहां पे, लिम्फ में, एंट्री इनटू द लिम्फ, एंड दैट इज कॉल्ड एज लैक्टियल्स। जब ये काइलोमाइक्रॉन लिम्फ के अंदर एंट्री करते हैं तो उसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओके, लैक्टियल्स बोलते हैं। लैक्टियल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज लिम्फ टर्न मिल्की, फैट ग्लोब्यूल्स काइलोमाइक्रॉन जो लिम्फ के अंदर मिक्स होते हैं, क्योंकि लिम्फ का नेचुरली कलर वाटरी है,
तो जब लिम के अंदर काइलोमाइक्रॉन मिस होते हैं, फैट लोबल मिस होते हैं, तो लिम का कवर बनता है मिल्की, और इसलिए उसको कहा गया है लैक्टियल्स द विलाय एंड फ्रॉम द ओके म्यूकोसा के अंदर ये होता है सब इंटेस्टाइन के अंदर फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है एंजाइम का लाइपेज पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है जो डाइजेशन स्टार्ट करता है लिपिड का बाद में इंटेस्टाइन की जो वाल है म्यूकोसा उस म्यूकोसा के अंदर ये मिसेज बनते हैं बाद में मिसेज का मॉडिफिकेशन होके वो काइलोमाइक्रॉन बनते हैं वो काइलोमाइक्रॉन लिम के अंदर एंट्री करते हैं फ्रॉम लिम काइलोमाइक्रॉन एंट्री टू ब्लड बाकी फिर ये जो काइलोमाइक्रॉन है लिम से कहां एंट्री करते हैं ब्लड में एंट्री करते हैं डायरेक्टली ब्लड में एंट्री नहीं करते फैट का डायरेक्टली ब्लड में एंट्री नहीं हो पाता क्योंकि वो वाटर इंसोल्युबल है इसलिए ठीक है ना सो अब्सॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैसे होता है एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में किसका डाइजेशन होता है सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको माउथ में क्या होता है डाइजेशन सबसे पहले याद रखो माउथ में डाइजेशन किसका होता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माउथ में डाइजेशन होता है जनरली ड्रग्स का क्योंकि आपको पता होगा कुछ ड्रग आपने अगर माउथ पे रखे तो उसका माउथ के अंदर बकल कैविटी के अंदर ब्लड कैपिल्स होते हैं वो उस ड्रग को अब्सॉर्ब करते हैं कहां पे बकल कैविटी के अंदर इसका मतलब स्टार्टिंग में जो अब्सॉर्प्शन होता है वो होता है बकल कैविटी के अंदर माउथ के अंदर किसका ड्रग का अब्सॉर्प्शन होता है क्योंकि माउथ के अंदर क्या है म्यूकोसा है और म्यूकोसा के साथ वो ड्रग मिक्स होता है सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और आपको बताया मैंने ब्लड कैपिल्स को अब्सॉर्ब करते हैं सेकंड अब्सॉर्प्शन होता है स्टमक के अंदर सेकंड अब्सॉर्प्शन आकर स्टमक ओके स्टमक के अंदर क्या होता है जो एलसीएल है डायलूट एलसीएल है उसकी हेल्प से डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन होता है कहां पे स्टमक में अंदर स्पेशली याद रखो और स्टमक के अंदर वाटर मिनरल या फिर वाटर एक सिंपल शुगर दोन वाटर सिंपल शुगर दोन देन सम ड्रग्स एंड अल्कोहल और एक बोल रहा हूं वाटर देन सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक्सेट्रा देन कुछ ड्रग्स और अल्कोहल ये सभी का ऑब्जर्वेशन होता है कहां पे स्टमक के अंदर नंबर तीन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है मतलब किसका कार्बोहाइड्रेट का फैट का न्यूक्लिक एसिड का प्रोटीन का सभी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है अब्सॉर्प्शन होता है कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्योंकि वहां पे आपको पता होगा गॉल ब्लैडर से आता है बाइल जूस बाइल साल्ट पैंक्रियास से आता है पैंक्रियाटिक जूस ये सभी का मिक्सचर आने के बाद सभी एंजाइम आने के बाद डाइजेशन मैक्सिमम होता है और अब्सॉर्प्शन भी मैक्सिमम होता है कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली जो न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स है विटामिन्स है ग्लिसरॉल है ग्लूकोज फ्रुक्टोज फैटी एसिड्स ओके अमीनो एसिड्स ये सभी का अब्सॉर्प्शन होता है कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और फैट जो है मैंने आपको ऑलरेडी बोला लिम के अंदर जाके बाद में ब्लड में जाते हैं और लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी अब्सॉर्प्शन होता है किसका वाटर का सम अमाउंट ऑफ मिनरल का और सॉल्ट का या ड्रग का लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता याद रखो इन लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन एट ऑल डाइजेशन बिल्कुल नहीं होता खाली अब्सॉर्प्शन होता है किसका वाटर मिनरल्स एंड कुछ ड्रग्स ये तीनों का अब्सॉर्प्शन कहां होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सो दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम ज्यादा सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है क्यों क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विला है विला इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन एंड इट हैज ग्रेट लेंथ आल्सो मैंने बोला था आपको सबसे ज्यादा लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की मैक्सिमम लेंथ जो है एलिमेंट्री कैनाल में वो है स्मॉल इंटेस्टाइन की और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कैसा है पाइलेट है इसलिए पाइलेट नेचर होने की वजह से मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्सॉर्ब मटेरियल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू टिश्यू बाद में मैंने पहले बोला आपको जो अब्सॉर्ब हुआ जो फूड है अब्सॉर्ब होने के बाद जो फूड है वो ब्लड में जा चुका है वो जो फूड है वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो सिंपल फूड है वो कहां जाता है
बॉडी के टिश्यू में जाता है ना, कौन न्यूट्रिएंट्स फूड जब ब्लड से या लिम्फ से कहां जाता है, टिश्यू में जाता है और स्टोर होता है, एक्युमुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। ओके, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है लाइक प्लांट फाइबर्स है, डेड बैक्टीरिया है और कुछ फेसेस है, एंटर इन द सीकम, वो सीकम में आते हैं एंड थ्रू इलियो सिकल वाल्व। मैंने बोला था आपको इलियम और सिकम के अंदर एक वाल्व होती है, इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सिकम मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे एक वाल्व होती है उसको बोलते हैं इलियो सिकल वाल्व, कुछ प्रिवेंट बैक ऑफ बैक फ्लो ऑफ फेसेस। मतलब एक बार लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फेकल मैटर आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता क्योंकि वहां पे वाल्व है, कहां पे इलियम और सिकम के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग इलियो सिकल वाल्व। एंड फेसेस आर टेम्पररीली स्टोर्ड, बाद में फिर फेकल मैटर जाता है रेक्टम के अंदर, रेक्टम में जाने के बाद वो रेक्टम में स्टोर होता है, ओके टेम्पररी एंड एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। बाद में आर्ज ऑफ डिफेसिकेशन होता है, मतलब डिफेसिकेशन की इच्छा होती है और मतलब इच्छा होती है, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है और ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, एक वॉलंटरी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है फेकल मैटर रेक्टम के द्वारा, रेक्टम के अंदर नीचे जो एनस है वो एनस का जो अंदर स्फिंक्टर्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं, एनस फीचर लेस हो जाते हैं और फेकल मैटर रेक्टम के अंदर जो स्टोर हुआ था वो बाहर चला जाता है एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज इगेशन और डीफेसिकेशन। ओके, ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में मैंने आपको बताया, 5 स्टेप्स ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, ओके कुछ अबनॉर्मलिटी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, सम ऑफ द अबनॉर्मलिटीज आर देयर विच हेल्प इन द अबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर कॉल्ड एज डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डिसऑर्डर्स मीन डिसीज, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, व्हाट इज डिसऑर्डर्स, डिसकंफर्ट, अबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डिसऑर्डर्स। तो उसमें से एक एक डिसऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं। ओके, पहला डिसऑर्डर मैं बता रहा हूं, फर्स्ट इज नंबर वन डिसऑर्डर इज जॉन्डिस। ओके, जॉन्डिस यहां पे क्या होता है, जॉन्डिस में येलो कलर की होती है क्या स्किन या आईज, आईज का कलर है, स्किन का कलर येलो होता है, क्यों, क्योंकि बिलिरुबिन जो पिगमेंट्स है बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है हीमोग्लोबिन ब्रेक होने के बाद, वो फेकल मैटर के द्वारा बाहर नहीं जा पाता और इसलिए जॉन्डिस जिस पर्सन को हुआ है उसका फेकल मैटर व्हाइट होता है। दोस पर्सन आर सफरिंग विद जॉन्डिस आर हैविंग फेकल मैटर व्हाइट कलर। ओके, तो फिर जो पिगमेंट था बिलिरुबिन नाम का जो पिगमेंट था येलो कलर का पिगमेंट जो था वो स्किन में जाता है आईज में जाता है और इसलिए येलो होता है कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। मैंने आपको बोला था बाइल पिगमेंट दो है बिलिरुबिन बिलिरुबिन, तो जॉन्डिस में क्या होता है जो बाइल पिगमेंट्स है वो स्किन के अंदर या आई के अंदर डिपोजिट होता है। ओके, और इंडिकेट द लिवर डैमेज, और याद रखो जॉन्डिस जो प्रॉब्लम है वो लिवर से रिलेटेड है, अगर जिस पर्सन का लिवर डैमेज है लीवर अबनॉर्मल वर्क कर रहा है उसमें बाइल पिगमेंट जो बनते हैं वो बाहर नहीं जा पाते फेकल मैटर के द्वारा, इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इसको उस पर्सन को जिसको जॉन्डिस हुआ है, ठीक है ना। बाद में ओके पहला डिसऑर्डर, बाद में इंफ्लामेशन भी है, इंफ्लामेशन ओके व्हाट इज इंफ्लामेशन, डाइजेशन जब हम स्पाइसी फूड लेते हैं, स्पाइसी फूड जब हम तीखा खाते हैं स्पाइसी फूड खाते हैं तो क्या होता है स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर इंफ्लेमेशन होता है अंदर से, तो उसको बोलते हैं इंफ्लेमेशन आल्सो। ओके, तीसरा डिसऑर्डर मैं बता रहा हूं आपको वोमिटिंग का मतलब क्या है, रिवर्स पेरिस्टाइलिसिस, रिगर्गेशन बोलते हैं हम उसको। ओके, डिग्लुटेशन का मतलब क्या है, स्वॉलोइंग करना, मतलब डिग्लुटेशन, और रिगर्गेशन का मतलब क्या है, स्टमक के अंदर का जो फूड है
माउथ से बाहर आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज वोमिटिंग. ओके, व्हाट इज वोमिटिंग? इंजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. नेचुरली क्या होता है, फूड ऊपर से नीचे जाता है नेचुरली, मगर कभी कभी मिडल ऑफ द गट वगैरह जो पार्ट है इसका ब्रेन का, वो अगर अबनॉर्मल बिहेव करता है या कुछ फूड के अंदर पॉइजन वगैरह जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वोमिटिंग होता है. एंड स्टमक के अंदर का जो कंटेंट्स है वो माउथ के द्वारा बाहर आ जाता है. दिस इज कंट्रोल्ड बाय मिडल ऑफ लैंगटा. मैंने पहले बोला आपको मिडल ऑफ लैंगटा इज अ पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन. हैंड ब्रेन के अंदर मिडल ऑफ लैंगटा रहता है. एक्चुअली हैंड ब्रेन में तीन पार्ट है, सेरिबिलम, पॉन्स वेरुला एंड मिडल ऑफ लैंगटा. तो मिडल ऑफ लैंगटा कंट्रोल करता है किसको, वोमिटिंग सेंटर को. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज डायरिया. डायरिया, व्हाट इज डायरिया? अतिसार, बार बार टॉयलेट को आना, फ्रीक्वेंसी होना इसकी, फेकल मैटर की, इगेशन की फ्रीक्वेंसी बार बार होती है. और फेकल मैटर जो है सेमी सॉलिड चाहिए था, वो लिक्विड बन जाता है स्टूल. डायरिया में स्टूल कैसे बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, इसलिए वो इमीडिएटली बाहर चला जाता है. मतलब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में बाहर चला जाता है. कौन स्टूल, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, डायरिया बोलते हैं. मतलब फ्रिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फेसेस. वाटरी मतलब लिक्विड फॉर्म में फेकल मैटर बाहर आता है, रिड्यूस द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. और जब डायरिया होता है तो डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाता है, अंदर जो पानी आता है फूड के अंदर जो पूरा चला जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डायरिया. बाद में कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? डायरिया से उल्टा ही. डायरिया में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली स्टूल बाहर निकल जाता है लिक्विड फॉर्म में. और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फूड बाहर नहीं जा पाता, मतलब वहीं पे जमा होता है, एक्युमुलेट होता है, स्टोर होता है. कहां पे? इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर. ओके, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल. स्टूल ड्राई बन जाता है. डायरिया में स्टूल कैसा था, लिक्विड था, अब यहां पे कैसे हो गया, ड्राई हो गया. और वो इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन होता है, मतलब तीन चार दिन के बाद, वन वीक के बाद क्या होता है, इगेशन प्रोसेस होती है, डिफेसिकेशन प्रोसेस होती है, इसलिए फूड अंदर ही जमा होता है कहां पे, इंटेस्टाइन स्टमक के अंदर. और उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिपेशन, बद्धकोष्ठता बोलते हैं उसको हम. ओके, स्टमक जो है फुल फिल होता है और ड्यू टू डिक्रीज द पेरिस्टलाइसिस ऑन कोलन. कोलन के अंदर, कोलन इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें पेरिस्टलाइसिस प्रोसेस फास्ट नहीं हो पाती, इसलिए फूड अंदर ही जमा होता है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, आगे नहीं जा पाता, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन. नेक्स्ट इज इनडाइजेशन. इनडाइजेशन इज वेरी सिंपल कंसेप्ट. अपचन, जहां पे फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको इनडाइजेशन बोलते हैं. इनडाइजेशन में बहुत से प्रॉब्लम है, बहुत से मैटर है. ओके, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं, तीखा खाते हैं, तब इनडाइजेशन होता है. जब हम ईटिंग करने के बाद फिजिकल वर्क करते हैं, जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तब भी इनडाइजेशन होता है. जब हम टाइट क्लॉथ कपड़े, टाइट बेल्ट, टाइट पैंट पहनते हैं, तभी भी इनडाइजेशन होता है. जब हम खाने के बाद पेट पे सोते हैं, तभी भी इनडाइजेशन होता है. इसका मतलब इनडाइजेशन की देयर आर मेनी रीजंस ऑफ इनडाइजेशन. सो कंडीशन लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस ड्यू टू द इम्प्रॉपर डाइजेशन. डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, अंदर बर्निंग फील होता है स्टमक के अंदर, जिसको हम हार्ट बर्निंग भी कह सकते हैं. ओके, तो एक्चुअली जो है जिसमें बर्निंग सा फील होता है और उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर डाइजेशन. प्रॉपर डाइजेशन हो नहीं पाता. ओके, और स्टमक जो है फुलनेस फील होता है और इट इज ड्यू टू एनेक्सिटी. एनेक्सिटी का मतलब क्या है? एनेक्सिटी का मतलब बेचैन होना, नींद ना लगना. ओके, कंटिन्यू थिंकिंग करना, उसको बोलते हैं एनेक्सिटी. देन इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन. एनेक्सिटी की वजह से क्या होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती, बॉडी के फिजियोलॉजी के फंक्शन डैमेज हो जाते हैं. और इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन होता है, कम एंजाइम सीक्रेशन होते हैं, कभी कभी फूड पॉइजनिंग होता है उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होता है, और कभी कभी स्पाइसी फूड खाने की वजह से भी इंडाइजेशन होता है ना. ये हो गए पूरे डिसऑर्डर्स. उसके बाद अभी नेक्स्ट डिसऑर्डर में पढ़ा रहा हूं आपको, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीईएम. प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मतलब जिस पेशेंट को, जिस पर्सन को, जिस चिल्ड्रन को, ओके,
अगर प्रोटीन नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। मतलब प्रोटीन के अंदर जो एनर्जी है वो मिल नहीं पाती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। इट इज अ डायटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और क्विक फूड कैलोरीज। प्रोटीन के अंदर जो फूड है, प्रोटीन के अंदर जो कैलोरीज है वो नहीं मिल पाते एंड इट कॉज टू डिसीज। इसकी वजह से दो डिसीज होते हैं इसमें, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में दो डिसीज होते हैं। वन इज मेलास्मस, पहला जो डिसीज है वो है मेलास्मस, और दूसरा जो डिसीज है दैट इज क्वाइसलकर। ओके, क्वाइसलकर ऐसे दो डिसीज होते हैं, इसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन की वजह से दो डिसीज आपको दिखते हैं कहां पे, चिल्ड्रंस में स्पेशली जिनका एज कम है उस चिल्ड्रन में आपको मिलता है प्रॉब्लम। तो उसमें से पहला प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में बता रहा हूं आपको मेलास्मस, रिमेम्बर मेलास्मस और क्वाइसलकर दोनों में आपको डिफरेंस लिखना आना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता नहीं पाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं अभी मेलास्मस क्या है। व्हाट इज मेलास्मस? इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स विथ लो कैलोरीज एंड इट इज फाउंड इन द इन्फांट लेस देन वन ईयर एज। मेलास्मस जो है किसको होता है? लेस देन वन ईयर एज, जिस चिल्ड्रन का एज एक साल से कम है उसको होता है कौन? मेलास्मस। और एक किसको होता है? क्वाइसलकर जो है वन ईयर के बाद के चिल्ड्रन को होता है। ये डिफरेंस हो गया। ओके, लेस देन वन ईयर रहा एज तो उसको बोलते हैं मेलास्मस, एंड उसको इन्फांट भी बोलते हैं। इन्फांट मतलब नवजात शिशु उसको होता है। एंड रीजन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय फूड। कभी कभी मदर जो है वीनिंग करते हैं, मतलब फूड फीडिंग जो है, मिल्क फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है बंद करती है और उसकी जगह पे दूसरा बाहर का फूड देती है ना, सप्लीमेंट्री फूड देती है मदर, तब होता है कौन? मेलास्मस नाम का डिसीज। मदर की मिल्क की जगह पे अगर दूसरा लो प्रोटीन कैलोरीज फूड अगर मिला तो उसकी वजह से होता है ये क्या? मेलास्मस नाम का डिसीज। पुअर प्रोटीन कैलोरीज, लो कैलोरीज एंड हैपन इन द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी। और कब होता है ऐसे? अगर मदर को प्रेगनेंसी फास्ट आ गई, मतलब पहला बेबी एक साल का भी नहीं हुआ मदर प्रेग्नेंट बन गई, मतलब सेकंड बेबी डेवलप होने लगा प्रेगनेंसी आ गई, तो उसकी वजह से मदर का क्या होता है? मिल्क आना बंद हो जाता है और पहले बच्चे को दूध नहीं मिलता, इसीलिए उसको बोलते हैं मदर्स प्रेगनेंसी कॉज। मदर्स प्रेगनेंसी कॉज, मदर की प्रेगनेंसी जब आती है जब चाइल्ड को फीडिंग कर रही है तब मिल्क बंद हो जाता है और उसकी वजह से फिर बेबी को मेलास्मस होने के चांसेस ज्यादा है। देन व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, मतलब जो पहले वाला बच्चा है वो पूरा डेवलप नहीं हो चुका है फिर भी दूसरा बच्चा अगर डेवलप होता है प्रेगनेंसी आ जाती है तो पहले वाले बेबी को मिल्क नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता, इसलिए मेलास्मस हो जाता है पहला। देन इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। सिम्टम क्या है? लक्षण क्या है? पहला लक्षण इम्पेयर्ड ग्रोथ कम हो जाती है, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन के अंदर का टिश्यू कम हो जाता है, या सॉरी टिश्यू के अंदर का जो प्रोटीन है वो कम हो जाता है, स्पेशली कोलेजन प्रोटीन जो है टिश्यू के अंदर रहता है, इलास्टिन प्रोटीन जो है टिश्यू के अंदर रहता है वो कम हो जाता है। ओके, एक्सट्रीम इमेशिएशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी एकदम लीन हो जाती है, डिलीकेट हो जाती है बॉडी एकदम। ओके, बोन दिखते हैं ऐसे बाहर से, मसल कम हो जाते हैं, फैट कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग इमेशिएशन ऑफ द बॉडी। थिन लिम्स, हाथ पांव एकदम छोटे छोटे बन जाते हैं, थिन मतलब एकदम बारीक बारीक बन जाते हैं क्या? लिम मतलब हाथ पांव। ओके, हैंड लिम्स एंड फोर लिम्स। स्किन ड्राई बन जाती है, थिन बन जाती है, रिंकल बन जाती है, मतलब स्किन के ऊपर सुरकुती आती है, स्किन के ऊपर रिंकल आते हैं, रफ बन जाती है स्किन। ओके, डिलीकेट ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट, वजन कम हो जाता है, बॉडी वेट कम हो जाता है। ओके, ग्रोथ कम हो जाती है एंड इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तो फिर अगर न्यूट्रिएंट टिश्यू को नहीं मिला, बॉडी को नहीं मिला, तो वो न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को भी नहीं मिलते और ब्रेन का ग्रोथ भी कम हो जाता है और उसकी वजह से मेंटल फैकल्टी जाती है, मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, मेंटली बेबी कम डेवलप होता है, उसको बोलते हैं मेलास्मस। अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको क्वाइसलकर। ऑलरेडी मैंने बोला है क्वाइसलकर में क्या होता है, चिल्ड्रंस ओके मोर देन
more than 1 year age, जिस चिल्ड्रन का एज एक साल से ज्यादा है उसको होता है कौन सा क्वेश्चन नाम का डिजीज। याद रखो इसको हम बोल सकते हैं मराठी में इसको हम मराठी में बोलते हैं सुप्टी और इसको बोलते हैं सुजोटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है बॉडी एकदम लीन बन जाती है किसमें मेरेसमस में और क्वेश्चन में थोड़ा सा ओडेमा होता है ओडेमा मतलब बॉडी स्वेल हो जाते हैं इसीलिए उसको बोलते हैं सुजोटी। बॉडी थोड़ी सूज जाती है मतलब थोड़ी फैटी बन जाती है उसको ओडेमा बोलते हैं हम लोग। ओके तो पाइसर में क्या होता है कि तो प्रोटीन डिफिशियंसी आ गई ये भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। रीजन क्या है वही रीजन है अगर मदर ने क्या किया मिल्क फीडिंग बंद कर दिया। ओके हाई कैलोरीज लो प्रोटीन फूड सप्लाई किया बेबी को जिस फूड में कैलोरी ज्यादा है प्रोटीन कम है वैसा फूड सप्लाई किया। चिल्ड्रन मोर देन वन ईयर एज जिस चिल्ड्रन का एज एक साल से ज्यादा है और लाइक मेरेसमस इट शोज वेस्टिंग ऑफ द मसल्स मेरेसमस में जो होता है वैसे यहाँ पे भी मसल्स वेस्टिंग हो जाते हैं मतलब फैटी बन जाते हैं बॉडी एंड थिनिंग ऑफ द लिम्स। ओके फेलियर ऑफ द ग्रोथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ब्रेन का डेवलपमेंट भी ग्रोथ जो है कम हो जाता है फेल हो जाता है। और अनलाइक मेरेसमस मेरेसमस में अलग क्या है मेरेसमस से अलग इन्फांट या चिल्ड्रन बिकम फैटी स्टिल अंडर द स्किन फैट स्किन के अंदर जमा हो जाती है और थोड़ी बॉडी फैटी बन जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव ओडेमा। ओडेमा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है ओडेमा स्किन स्वेल हो जाती है क्यों फैट जमा होता है स्किन के अंदर एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट बॉडी के पार्ट में स्वेल हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द व्हाट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन ये पूरा। और आपको पता होगा कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है कहां पे बॉडी के अंदर विटामिन डी और पैराथ्रोमोन को हेल्प करते हैं कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए। एचसीएल का अगर सिक्रेशन कम हुआ कहां पे स्टमक के अंदर उसको बोलते हैं अक्लोरोहाइड्रिया। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं अक्लोरोहाइड्रिया मीन्स लेस सिक्रेशन ऑफ एचसीएल इन द स्टमक। ओके बाद में एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट फेरिक साल्ट इनटू फेरस साल्ट और जिसकी वजह से आयरन का अब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। ओके बाद में चाइन जो है चाइन स्टमक के अंदर बनता है। ओके एसिडिक फूड बनता है उसको चाइन बोलते हैं। बाइल का सिक्रेशन जो है 600 टू 800 ml होता है पर डे। ओके दिस इज अबाउट एक्स्ट्रा पॉइंट्स एंड डिसऑर्डर्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू डिसऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी पूरे बता चुका हूं मैंने आपको। ओके बाद में बीएमआर आरएमआर और आईएमआर क्या है व्हाट इज बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट देन सेकंड इज आरएमआर रूटीन मेटाबॉलिक रेट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज एक्टिव मेटाबॉलिक रेट एएमआर। ये तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आना जरूरी है। अभी बीएमआर क्या है बेसल मेटाबॉलिक रेट नाम ही मीनिंग है जब आप रेस्ट करते हो जब आप स्लीपिंग करते हो जब आप आराम करते हो जब आप कुछ काम नहीं करते हो तब आपके बॉडी को कुछ एनर्जी लगती है ना तब भी आपको खाना लगता है ना सो रहे हो आप सोने के बाद उठ जाएगा फिर भी आपको खाने की भूख लगती है ना तो उस टाइम में जो एनर्जी लगती है उसको बॉडी को उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। मीन्स क्या बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशन क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दी पर्सन फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस ड्यूरिंग रेस्ट और स्लीप। और बीएमआर का एवरेज पर्सन इज बीएमआर जो है एवरेज पर्सन का है 1600 किलो कैलोरीज पर डे। क्या बीएमआर एवरेज एडल्ट पर्सन का कितना है एवरेज एडल्ट पर्सन का बीएमआर है 1600 किलो कैलोरीज पर डे। ओके समझ में बीएमआर आपको जब आप स्लीपिंग करते रेस्टिंग करते तब बॉडी को एनर्जी लगती है तब रेस्ट करने के बाद एनर्जी लगती है वो है 600 किलो कैलोरीज पर डे उसको बीएमआर बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज आरएमआर बॉडी आरएमआर रूटीन मेटाबॉलिक रेट एनर्जी रिक्वायर फॉर दी मॉडरेटली एक्टिव एडल्ट। ओके यहां पे हम क्या कर रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं ना रेस्ट और स्लीप के टाइम में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं बीएमआर। और यहां पे क्या हो रहा है एक्टिव है एडल्ट मॉडरेटली एक्टिव है
कॉर्न एडल्ट, तो फिर यहां पे थोड़ा एनर्जी ज्यादा लगेगी। किसको? प्रोटीन मेटाबोलिक ज्यादा लगेगा, क्योंकि पर्सन की एवरेज हाइट और बॉडी वेट क्या बॉडी होती है, और दैट इज ऑल्सो 2200 किलो, ओके दैट इज 2200 किलो कैलोरीज, ओके इन एडल्ट पर डे, ओके। और लास्ट EAMR, व्हाट इज EAMR? एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, ये थोड़ा ज्यादा लगता है एडल्ट पर्सन को परफॉर्मिंग द स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क, स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क मतलब जो ज्यादा तान दे के काम करता है, टेंशन ज्यादा, फिजिकल वर्क ज्यादा है, एक्सरसाइज ज्यादा है, फिजिकल वर्क ज्यादा है, जैसे फार्मर लेबर काम करते हैं उसको बोलते हैं क्या, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और वो है एक्टिव मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा नो डाउट, 3800 किलो कैलोरीज टू 5000 किलो कैलोरीज पर डे। ये है तीन टाइप की एनर्जी, BMR, RMR और EMR। और एक बार बोल रहा हूं, BMR का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, स्लीपिंग कर रही हो, तब भी बॉडी को एनर्जी लगती है तो वो सबसे कम होगी, कितनी, 1600 किलो कैलोरीज पर डे एडल्ट में। RMR का मतलब रूटीन मेटाबॉलिक रेट, जब आपकी बॉडी मॉडरेटली एक्टिव है, ज्यादा स्लीपिंग भी नहीं कर रही है, ज्यादा रेस्टिंग भी नहीं कर रही है, ज्यादा काम भी नहीं कर रही है, मतलब तो मिडल वर्क कर रहे हो आप, मीडियम वर्क कर रही है आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी को मीडियम एनर्जी लगेगी, कितनी, 2200 किलो कैलोरीज पर डे, ओके। उसको बोलते हैं रूटीन मेटाबॉलिक रेट। और तीसरा जो है एक्टिव मेटाबॉलिक रेट, यहाँ पे बॉडी बहुत ही एक्टिव हो जाती है, ज्यादा काम करती है, जब आप स्ट्रेनियस वर्क करते हो, ज्यादा काम करते हो, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी ज्यादा यूज होती है, तो वो जो है 3800 to 5000 किलो कैलोरीज पर डे, ओके। तो ये अलग अलग मेटाबॉलिक रेट है, BMR, RMR और EMR। सो दिस इज अबाउट ऑल पॉइंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके। ये चैप्टर अभी खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय न्यूरल सिग्नल्स, neural mechanisms can also moderate the muscular activities of different parts of the alimentary canal, both local and through the central nervous system. Thus, different parts of the alimentary canal and digestive glands help us to digest the food we eat. Absorption of food is a crucial event in the digestion process. After complex food has been broken down into smaller components, it needs to be absorbed into the blood and lymph so that it can be transported throughout the body. Although absorption takes place in different parts of the alimentary canal, such as the mouth, stomach, small intestine, and large intestine, maximum absorption occurs in the small intestine. The villi on the intestinal wall increase the surface area of the small intestine and help to efficiently absorb the digested nutrients such as glucose, fructose, amino acids, and electrolytes. These nutrients from the food pass through the intestinal mucosa into the bloodstream and are distributed throughout the body. Absorption takes place in the intestinal mucosa through passive transport and active transport. In passive transport, there is no expenditure of energy. There are three types of passive transport: simple diffusion, facilitated transport, and osmosis, that assist in absorption. Small amounts of glucose, amino acids, and electrolytes such as chloride ions are generally absorbed from a higher to a lower medium by simple diffusion, whereas fructose and some amino acids are absorbed down a concentration gradient
with the help of a specific carrier protein through facilitated diffusion. On the other hand, transport of water takes place from a dilute to a concentrated medium through osmosis. Absorption also takes place from a lower to a higher medium through active transport, which is much quicker and requires energy. Nutrients such as sodium ions, glucose, galactose, and amino acids are transported actively. Unlike carbohydrates and proteins, fats are not absorbed through the intestinal villi. Fatty acids and glycerol are insoluble in water and therefore cannot be absorbed by the intestinal cells directly. They are first acted upon by bile salts to form small spherical droplets called micelles, which can easily move through the intestinal mucosa. As micelles enter the intestinal mucosa, they are coated with protein to form small fat globules called the chylomicrons, which are transported into the lymph vessels called lacteals in the villi. These lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the bloodstream. Besides the small intestine, other parts of the digestive system also play a role in the absorption process. For example, certain drugs are placed in the mouth under the tongue so that they can be absorbed directly into the blood capillaries. The stomach wall directly absorbs certain foods, including simple sugars and alcohol, and they do not remain in the stomach. While water, some minerals such as potassium and sodium, and drugs are absorbed in the large intestine. These absorbed nutrients are transported to different tissues of the body through the blood vessels, and this process is called assimilation. However, the digestive wastes pass through the large intestine, where water is absorbed and waste is solidified into feces. The fecal matter moves towards the rectum due to peristaltic waves in the walls of the colon, which finally eliminates the waste through the anus. If the digestive system does not function as smoothly as it should, it results in different types of disorders. Inflammation of the intestinal tract takes place when there are bacterial or viral infections. Parasitic infections are caused by tapeworms, roundworms, hookworms, pinworms, and others that usually infect the intestine. Indigestion takes place when food is not properly digested and one experiences a feeling of fullness, pain, or heartburn. This usually takes place due to inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating, and spicy food. Constipation is another condition of the digestive system in which an individual has uncomfortable or infrequent bowel movements. Vomiting causes forceful contraction of the stomach and ejection of the stomach contents through the mouth. This is preceded by a feeling of nausea. Medical conditions such as jaundice result from excess of bilirubin or bile pigments in the tissues and body fluids. It affects the liver and causes the skin and the whites of the eyes to turn yellow. Diarrhea is another condition in which there is an increase in the liquidity of fecal discharge and bowel movements. It occurs when enough water is not removed from the stool, making the stool loose and poorly formed. Thus, we have seen that absorption and assimilation of food is essential, and disorders in the digestive process can lead to severe complications.